हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, जिसका नाम है वेजी मैगी। इसे हम स्ट्रीट स्टाइल से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन, कढ़ाई या फिर पतीला लेंगे, उसमें 2.5 कप पानी ऐड कर देंगे। जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है उसी से ही पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं 5 रुपए के 2 पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि मैगी हमारी खिलखिली बन जाए। नमक को मिक्स करेंगे पानी में और उसके बाद हम अपने पसंद के हिसाब से वेजीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से मटर, प्याज और टमाटो ऐड किए हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप बाद में ऐड करिएगा। और यहाँ पर मैंने सारे वेजीज़ को बारीक चॉप कर लिया है। अब हम मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब 3 मिनट के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। 3 मिनट के बाद ये वेजेज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट मेकर के 2 पैकेट्स, यानी कि जो मैगी पैकेट्स में जो मसाले होते हैं वही मैं ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को वेजेज के साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे ये मैगी नूडल्स और इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट्स के बाद नूडल्स सॉफ्ट हो जाते हैं। अब नूडल्स को हम इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर आपको छोटे नूडल्स पसंद हैं तो आप टुकड़े भी कर सकते हो। इसे हम और एक बार 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए कवर कर देंगे। तब तक पानी भी इसमें से अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको पानी वाली मैगी अच्छी लगती है तो आप 2.5 कप के जगह 3 कप पानी ऐड करिएगा। इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी मैगी खाना पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर ऐड करिए और बटर जो है उसे स्किप करिए। तो अब ये हमारी वेजी मैगी बनकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रही है। इसे अब थोड़ा सा सीजनिंग फ्लेवर देते हैं, जैसे कि चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप ऐड करिए वरना स्किप करिए। तो एकदम बढ़िया सी डिलीशियस मैगी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वेजेस बॉईल करने से ये फटाफट बन जाती है। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।